आज की वीडियो में हम लोग लोन सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। लोन सेटलमेंट के बाद बैंक और एनबीएफसी कंपनी से एनओसी कैसे निकालें। अगर आप बैंक से या कोई भी एनबीएफसी कंपनी से कोई भी लोन लेते हैं, एक से ज़्यादा लोन लेते हैं अगर एक ही बैंक से, तो बैंक एनओसी देने में काफ़ी दिक्कत करता है, आपके लोन को भी सेटल करवा लेता है और एनओसी देने से भी इनकार कर देता है। अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर आपको एनओसी देने से इनकार करे तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा YouTube परिवार। अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कस्टमर के पास सेटलमेंट कराने के बहुत ज़्यादा ऑफर आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं, अपनी EMI को पे नहीं कर पा रहे। बहुतों के साथ तो ये समस्या है कि उनका बिजनेस जो फिलहाल अभी के टाइम में उतना अच्छा से रन नहीं कर रहा है, तो उनके पास एक सेटलमेंट का ऑफर आता है। पर सेटलमेंट में लोगों को लगता है कि चलिए कुछ अमाउंट बच जा रहा है, तो वो लोग सेटलमेंट के ऑफर की तरफ चले जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका जो भी लोन है, जो अभी इस टाइम पे 12 लाख का होगा या 13 लाख का होगा, इंटरेस्ट जोड़ के बैंक आपको ऑफर करती है कि आप 7 लाख 8 लाख में इसको सेटल करा ले। और सेटलमेंट हमेशा वहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हो, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर समस्या क्या है, अगर आपने एक ही बैंक से दो या तीन लोन ले रखे हैं, जंबो लोन ले रखे हैं, मतलब एक ही बैंक से अगर आपका एक से ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो बैंक क्या करती है कि आपके लोन को सेटल भी करवा लेती है और बाद में आपको एनओसी देने से इनकार कर जाती है। तो इस कंडीशन में कस्टमर बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि उसने लोन सेटलमेंट का अमाउंट भी पे कर दिया, अब उसके पास एनओसी पेपर नहीं है। जब तक आपके पास किसी भी लोन का एनओसी पेपर नहीं है, आप उस लोन से क्लियर नहीं हुए हो, क्योंकि विदाउट एनओसी किसी भी लोन को सेटल कराने में एक कस्टमर का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर आपको एनओसी देने से इनकार करे, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला कदम, आप जब भी लोन सेटलमेंट कराने जाओ, जब भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको लोन सेटलमेंट की बात करें, तो उस लोन सेटलमेंट एग्रीमेंट में पहले लिखवा लो कि आप कितने दिनों के बाद हमें इस लोन के लिए, क्योंकि जितने भी लोन होते हैं उनका सबका सेपरेट पर्सनल लोन अकाउंट नंबर होता है, कि आप हमको इस लोन के लिए कब एनओसी प्रोवाइड करोगे। ज़्यादातर में ये 15 दिन होता है, पर बेसिकली आप एक रफ लगा के चलो तो एनओसी आने में 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के बाद आपके मेल पर आ सकता है, वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको फिजिकल कॉपी पहुंचा सकता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग तरीका हो उससे आप ले लें। अगर फिर भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, ज़्यादातर देखा गया है बैंक आपको ये बोलते थे कि जो समस्या आने वाला है हम उसके बारे में आपको बताते हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये बोलती कि आपका जो बाकी लोन चल रहा है आप उसको भी पहले सेटल करा दो, उसके साथ हम तीनों लोन का एक साथ एनओसी देंगे। यहाँ पे आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने एक लोन सेटल करवा दिया, बहुत मुश्किल से आपने पैसे को अरेंज करा के उस लोन को सेटल कराया। यहाँ पे बैंक के अंदर थोड़ा सा लालच आ जाता है, वो अपने लोन को सेटल कराने के लिए आपको ये मिसगाइड करता है, ताकि आप और पैसे लाओ और उनका तीनों लोन सेटल करा दो। अगर इस तरह से बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके साथ बिहेव करे, तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उस बैंक पे लीगल एक्शन ले सकते हो, और उसके बाद बैंक को आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को ये राइट नहीं है कि बैंक किसी भी कस्टमर का जिस लोन में सेटलमेंट हो गया उसका एनओसी प्रोवाइड ना करे। अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है, तो कृपया करके सबसे पहला स्टेप आप ये लें कि लोन सेटलमेंट के समय में जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है उसमें ये लिखवा लें, या उसमें ये मेंशन करवा लें कि आप कितने दिनों के बाद हमें एनओसी प्रोवाइड करोगे। अगर बैंक फिर भी न माने, तो कंज्यूमर फोरम के तहत लोन सेटलमेंट के बाद आप एनओसी प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह से अगर कोई भी समस्या हो रहा है, बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, आपको लीगल नोटिस आ रहा है, लोन में किसी भी तरह का आपको सहायता चाहिए, तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे सीधे बात कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।